पीछे रहो, ये इसके टाइटन बहुत खतरनाक है, बच के रहो। नो, ओ माय गॉड, स्मार्टी हेल्प ब्रो, स्मार्टी सच्ची में मर गया ड्रीम बॉय। इज़ योर भाई ये? ओ शिट स्मार्टी भाई, हेलो हेलो हेलो, ओ शिट ओ शिट, ड्रीम बॉय इस वाला को पकड़ो, इस साले हराम को पकड़ो, इस नल्ले बेरोजगार, नो 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 नो, ये साला हरामी गायब है। शिट स्मार्टी सच्ची में मर गया है। अरे हमारे सारे खास दोस्त सब गायब हो रहे हैं भाई। इज़ योर भाई, अब मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा, इसके भी हार्ट शैटर हो गए होंगे, पर अभी चार लोग कहां से लाएंगे हम लोग? ओ शिट, ड्रीम बॉय या वो वापस तो नहीं आएगा भाई? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं वो था स्मार्टी भाई, हेलो यार, इनको हमारी आवाज तक नहीं आ रही है ब्रो, और अगर ये मर गए तो स्पॉन किधर हुए होंगे अभी? अरे मरे तो है, पर ये क्या होते जा रहा है यार? ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। के साथ भी वही होगा, इसका दिल शैटर हो गया होगा और चार टुकड़ों में बट गया होगा भाई। ये क्या? ओ माय गॉड, अरे मैं यही तो साले हराम खोर, यही तो चीज तुझे बता रहा था मैं लास्ट टाइम, और तूने मेरा साथ नहीं दिया था बिल्कुल भी। नुबड़ा जी के साथ भी यही सेम चीज हुई है, उसको भी किलविश ने मारा था और एक पट से हेडशॉट और मर गया था। वैसे ही इस पार्टी के साथ कुछ तो हुआ है। ये मतलब ऑलमोस्ट 99.9% मर चुका है, पर 0.01% चांसेस है हम लोग इसको जिंदा कर सकते हैं। अरे यार स्मार्टी भाई, हेलो, सुन सकते हो क्या? अबे कर क्या रहे हो? अरे उसके ऊपर ये क्या भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट, मैं इलेक्ट्रिसिटी देके रखूं। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? व्हाट, कुछ भी नहीं हुआ ब्रो, उसके तरफ जा भी नहीं रहा। अरे हेलो हेलो स्मार्टी भाई, हेलो 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 भाई, गायब हो चुके हैं। नहीं, इनको आवाज नहीं जा रही। एक मिनट, हम लोग किसी भी कीमत पे पहले तो इसको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। अबे ये चल रहा है, अबे ये चल रहा है, अबे ये चल रहा है। रुको, मेरे पानी है। पानी भी काम नहीं कर रहा। डू बॉटल है या गंगा नदी है यार, बाहर है यार उसकी। मजाक नहीं, देखो कुछ शांति से, पिछले बार भी बता रहा था, आप पिछले बार भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो किमोची के पल्लू के पीछे आपको छुपना है हर बार। देखो हमें किसी भी कीमत पे इसके 0.01% जो चांसेस है कि ये जिंदा होने के, वो हम लोगों को कंप्लीट करने के लिए चार अलग अलग डायमेंशन में से इसके हार्ट लाने पड़ेंगे। मैं ऑलरेडी दो ला चुका हूँ, मेरे पास ये वाला हार्ट पीस है और ये दूसरा वाला हार्ट पीस है। हमें किसी भी कीमत पे नुबड़ा जी को जिंदा करना ही है, पर हम लोग स्मार्टी को जिंदा कर सकते हैं। एक बार प्रोफेसर को पूछते तो सही है। अरे मेरे भाई, आपने ही तो कहा था कि हम तीनों की वो सोड हम लगाएंगे तब नुबड़ा जी जिंदा होगा, पर स्मार्टी भाई ही ऑन नहीं है और स्मार्टी भाई ऑफ हो चुके हैं ब्रो, कैसे करेंगे अभी हम? कुछ तो रास्ता होगा यार, कुछ तो रास्ता होगा। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बंदे को ये बोल रहे थे अभी, फलाना जब आया था आपने भी सुना ना, फलाना वहां पे लिख रहा था कि वो उसका साथ स्मार्टी, फलाना और किलविश मिले हुए थे, मुझे एक सेकंड के लिए लगा, और बाद में किलविश ने इसको ही मार दिया। हाँ, अगर वो सही में मिले होते तो फिर वो स्मार्टी भाई को क्यों ही मारते? मेरे को नहीं लगता ब्रो स्मार्टी भाई ठीक थे ब्रो, आई एम श्योर फलाना जी ने पूरी साजिश करी हमारे साथ। एक काम कहते हैं यहाँ पे रखना इज नॉट गुड आइडिया, देखा जाए तो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और पहली बात तो अब की जो कि मोची है उसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बिकॉज दो हार्ट तो मेरे पास है, तीसरा हार्ट बनाने के लिए मुझे किमोची चाहिए, वो आपकी। हाँ क्यों, वो क्यों चाहिए? अरे भाई देखो, वो नेदर का जो मेन था ना, अरे यहाँ से दूर मत जाओ यार, आपको कहाँ पे वहाँ पे जाना है यार। देखो वो जो नेदर के अंदर वाला जो बंदा था जो सारी चीजें बैलेंस कर रहा है, वो नन अदर देन वो गोल्ड वाला पुजारी था, और उसका हम लोगों को कोई तो डीएनए चाहिए था, और वो डीएनए सिर्फ उसके पास ही होगा ना किमोची के पास। तो किमोची से हम लोगों को ये थर्ड वाला हार्ट रिपेयर करवाना है, तो जल्दी से रिपेयर करवा दो। मे बी भाई भाई अरे भाई भाई अभी बिल्कुल नौटंकी नहीं चलेगा ड्रीम बॉय, अब ये सीरियस हो चुका है यार, हम लोगों दोनों को। मेरी बात सुनो, किमोची खुद किडनैप हो चुकी है, वो नहीं है इस वर्ल्ड में। ड्रीम बॉय अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, इस वर्ल्ड में नहीं है, मतलब आप पागल हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके बदौलत जो वो आए थे ना इविल स्मार्टी पे और इविल एजियो भाई, मैंने बताया उसको, वो दोनों ही उसको किडनैप करके गए हैं दोनों, वो नहीं है इस वर्ल्ड में अभी। तो भी तो कैसे इसको जिंदा कैसे करें? मेरे को नहीं पता ब्रो, हम फंस चुके हैं यहाँ।
यार मेरे पास मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मार दूं अपने आप को भी। मैं खुद ब्लॉक हो चुका हूं, ये कैसी सिचुएशन है भाई। हमारे जितने भी क्लोज के जितने भी दोस्त हैं जो भी, ये सब मरते जा रहे हैं। पहले तो इसको ठिकाने लगाते हैं, मतलब बेसिकली इसको लेके जाते हैं मेन हिमलैंड्स में, वहां पे नीचे रखेंगे नुबड़ा जी के पास, बिकॉज हम लोगों को दोनों को रिपेयर करने का प्रोसीजर तो सेम ही होना चाहिए यार, क्योंकि बंदे ने सेम वो येलोइश ट्राइडेंट ही था ना इसको मारने के लिए। हाँ वो एक ही उससे मार रहा था, ये वाला ऐसे दिखने वाला ट्राइडेंट था कुछ तो अजीब सा। आपने मेरे को बताया था कि नुबड़ा जी को जिससे उसने मारा है, जैसा आपने बताया था वैसे ही ट्राइडेंट दिख रहा था वो भी। यार ये किलविश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? लास्ट टाइम आपको पता है ना, लास्ट टाइम हमने किलविश को लॉक किया था यार वो फालतू से प्रिजन के अंदर, और वो बंदा अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इज्जो भाई देखो फटाफट करो कुछ दिमाग चलाओ। अभी पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को प्रोफेसर को बुलाना पड़ेगा और यहाँ से इसको निकलवाना पड़ेगा। पहले फटाक से प्रोफेसर को बुलाओ। चलो मैं बुला, आप ही रुक जाओ मैं बुला के लाता हूँ। हाँ चलेगा व्हाट इफ यहाँ से कुछ गड़बड़ हो जाए। What up guys, this is Zeldrim and welcome to another episode of Himland। तो पिछले एपिसोड में मेरा दोस्त नुबड़ा जी की हत्या की गई थी वो किलविश के द्वारा, और इस बार नन अदर देन स्मार्टी मर चुका है। भाई साहब जिसने ये हिमलैंड की शुरुआत की थी वही बंदा मेरे सामने मरा हुआ मुझे कभी दिखेगा ये नहीं सोचा था मैंने। पहले तो मुझे अभी तो हम लोगों का मेन मकसद यही है, प्रोफेसर से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्मार्टी का भी हार्ट ऐसे ही अनलॉक होता है, इसके अंदर से निकलता है या नहीं निकलता, नहीं तो पता चले कि हम लोगों को स्मार्टी को रिपेयर करने के लिए कुछ अलग ही चीजें होती होंगी। बिकॉज नुबड़ा जी एक अलग काइंड ऑफ चीज है, वो कैसे करे यार, वो उसका हार्ट बीट टूट रहा है, उसके पास अनलिमिटेड एंटिटीज की पावर है और बहुत सही चीज है। स्मार्टी एक प्लेयर है, प्लेयर को जिंदा कैसे करते हैं मुझे नो आइडिया। यो एजू भाई, हाँ। हेलो हेलो हेलो, किधर है प्रोफेसर, किधर है? मैं लेके आ चुका हूँ उसको, ब्रिज के साइड से आ रहा है मेरे साथ। आने दो ना भाई उसको, जल्दी आ जाओ जल्दी प्रोफेसर जल्दी। सामने आप भाई वो बंदा डर के मारे आगे नहीं आ रहा है। अरे हम ही लोग हैं और कौन। अरे है जल्दी से इधर आना भाई साहब, तुझे तू पहले चेक कर भाई, पहले तू चेक कर भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। वो किलविश हर एक बंदे को एक एक वार में कैसे मार पा रहा है? एक काम कर, हाँ रुक, पैनिक होने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। पहले तो इसकी बॉडी लेके चलते हैं मेन इमलैंड में, उसके बाद आगे बोलते हैं क्या करना है। पहले मुझे तो यहाँ पे बहुत अनसेफ लग रहा है, एक तो वहां भी वो किलविश था या किसी ने यहाँ पे, वो आया कहाँ से यार, वो प्रकट कहाँ से हुआ, वो भी क्या लावा में से आया था क्या? भाई साहब एक सेकंड, पहले ना ये सारे घर चेक करो आप, यहाँ से कोई पोर्टल वोटल है क्या? आई एम नॉट श्योर यार, मुझे सिर्फ सुरेश की आवाज आ रही है क्या, मुझे तो लग रहा है कि वो भी लावा में से ही आया था। ये लावा ही कुछ तो अजीब चीज है यार, मेरी आग में खुजली थी। अरे भाई वो लावा में से आता तो वहां से इतना बड़ा वो जिंदा आदमी चलता हुआ दिखता ना, पर मे बी वो वहां से आया होगा और फिर यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया होगा जलने से बचने के लिए। और एक तो वो हल्क क्यों बना हुआ है यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम से मैं यही देख रहा हूँ यार, लास्ट टाइम से उसकी साइज बढ़ चुकी है, सारी चीजें अजीबोगरीब हो गई है। आई डोंट नो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, जबकि हम लोग उसको कैप्चर करके रखा था ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए। देखो ब्रो साइज बड़ा होने से स्किल्स बड़ी नहीं होती है। अरे भाई उस बंदे, ओ भाई आप इतना तो मानते हो ना कि स्मार्टी सबसे ज्यादा माइनक्राफ्ट खेला है? अरे मैं किलविश की बात कर रहा हूँ। अरे वो किलविश ने एक शॉट में स्मार्टी को मारा है, एक शॉट में। तो हम कम है किसी से भाई, कोई बात नहीं एक सेकंड वो मारेगा तो कोई बात नहीं, हम अपना बदला तो लेंगे, मर जाएंगे। देखो कोई बदला लेंगे पर अभी हम लोगों को शक्ति से नहीं, हम लोगों को युक्ति से काम करना है, हम लोगों को दिमाग से काम करना पड़ेगा, बिकॉज हम दोनों आखिरी लोग हैं जो यहाँ पे जिंदा है। आपकी किमोची जिंदा है नहीं जिंदा है हमें वो भी नहीं पता, सो आप भी इतना ज्यादा चौड़े मत बनो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं एंटिटी, और ये मान लो कि हमारी कुछ औकात नहीं है इन लोगों के सामने। हम लोगों को कुत्तों की तरह मार रहे हैं, स्मार्टी को एक शॉट में मार दिया, नुबड़ा जी को एक शॉट में मार दिया, आपकी किमोची को चुटकी में गायब कर दिया उन लोगों ने, मतलब ये सारी एंटिटीज साथ में, चाहे कोई भी नहीं होना साथ में तब भी कोई कुत्ते की तरह नहीं भगा सकता हम लोगों को, भूलो मत ब्रो। आप SU18 रिपो, मैं ड्रीम बॉय हूँ समझो। अभी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई भी रास्ता है नहीं ब्रो, दैट्स इट।
आप कितना भी हीरो बनो, अभी हीरोगिरी में, अभी ये मारामारी करके हीरोगिरी में यू करने में नहीं है, असली दिमाग चलाने में है। और दिमाग मुझे अभी ये कर रहा है किसी भी कीमत पे हम लोगों को इन दोनों की बॉडी सेफली वहां पे रखनी पड़ेगी, और पहले तो इन लोगों को जिंदा करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा रादर देन वहां पे फाइट करके अपनी जिंदगी पे दाव पे लगाना। ये होता है स्मार्ट डिसीजन जो अभी हम लोगों को लेना है ड्रीम बॉय। तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि ये सब नहीं करने वाले हम, तो क्यों तोड़िया भी तोड़िया फेंक रहे हो भाई हवा में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं आपको सिर्फ बदला लेने वाला एक्सप्लेन कर रहा था, पर अभी अभी ये चीज ज्यादा मेन है अभी। अबे ये फूल क्यों गिर रहा है भाई, तू क्या है बाबा, तू क्या अंतिम संस्कार कर रहा है क्या भाई? अंतिम संस्कार नहीं करना, जिंदा करना है भाई। तू नहीं बोला था किसी भी इंसान को मारने, ये अगर उसकी डेड बॉडी ऐसी होती है तो लास्ट टाइम तूने बोला था कि 0.01% चांसेस है इसके जिंदा होने के, तो हम लोग वो चांसेस बिल्कुल भी जाया होने नहीं देंगे। जल्दी से लेके चल और देखते आगे क्या करना है। यार इसकी एम्बुलेंस सर्विस क्या तेज है रे, क्या कह रहे हो यार? प्रोफेसर की एम्बुलेंस सर्विस कब तेज है यार, कितने पटाखे लेके गया वो सरल के भाई। यार ये भाई अरे आजा यार ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय सीरियसनेस नहीं आपको जीवन में ऐसे भाई, आप हंस रहे थे यार। कौन नहीं हंसेगा अगर हम लोग बोले कि एम्बुलेंस सर्विस। यार इन लोगों को भी दिखाना चाहिए था यार, जब वो टांग पे रस्सी बांध के खींचे लेके गए स्मार्टी भाई को यार। अच्छा कट है ये, अरे यार कौन सा कट है, मैं नहीं कट मिटे कहीं पे। अजीब नहीं लग रहा आपको कि भाई जैसे ही कोई मरता है ऐसे बारिश बिरिश होना चालू हो जाती है, बहुत ज्यादा वियर्ड है ये चीज। मेरे को तो एक बहुत अजीब सी वाइब आ रही है भाई उन दोनों घर के आसपास, सच बोलूं तो मैं तो नो तोड़ दे क्या, चलो लेट्स गो। नहीं 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 एक सेकंड, अगर उधर कोई पोर्टल वोटल कनेक्शन कुछ हुआ तो हाँ फिर बाद में वो हम लोग तहकीकात करेंगे, पहले तो अभी स्मार्टी की हालत देखते हैं। जितना भी अच्छे से कोई भी मिशन करना हो हम लोगों को जीवन में स्मार्टी को बचाने के लिए हम लोग करेंगे, पर हमारे दोस्त को जिंदा करके रहेंगे, बिकॉज उसको तड़पा के उसका दिमाग खाने का हक सिर्फ हम दोनों को है भाई, कोई दूसरा नहीं खा सकता भाई, हम ही है भाई। उसकी जान खाने के लिए हम ही उसको जिंदा करेंगे और फिर उसकी जान खाएंगे भाई, ये होते हैं सच्चे दोस्त। और ये जो हमारा फलाना जी है ना भाई, इसका देखना मैं क्या रेल बनाऊंगा क्या मोर बनाऊंगा ना इस फलाने का, तो देखना भाई ये बंदा भाई मैं को तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा अभी से मकसद ही है कि कैसे भी करके हम लोगों को फलाना को ट्रैप करना, ये किलविश विलविश, ये मोटापा, इसकी शक्तियों का ना बहुत ज्यादा ये मतलब अनप्रेडिक्टेबल शक्ति है ये किलविश के पास, तो हम लोग उसके साथ देखो ना पंगा ना लेते हुए उसका एसेट कौन है सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसे लग रहा है फलाना, तो फलाना को फंसा के हम लोग कहीं पे टॉर्चर कर देना भाई, मेरे को बहुत मन कर रहा है, बहुत मन। जब भी मिलेगा फलाना मैं इसके मुंह पे 100 घूंसे मारूंगा भाई, खींच खींच के देखना। गाइस गाइस लीव अ लाइक, 1,00,000 लाइक्स और हम लोग करने वाले हैं, मैं और ड्रीम बॉय का मकसद होगा किसी भी कीमत पे फलाना को ट्रैप करना, और जो घूसे पड़ेंगे उसको भाई साहब माँ की आग कर देंगे उसके। हमें अभी फिलहाल के लिए किसी भी कीमत पे इन दोनों को रिपेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब हमें भाई मैं मेरे को बहुत ज़रा अजीब लगा। हम लोगों को ड्रीम बॉय, हम लोगों को किसी कीमत पे स्मार्टी और नुबड़ा जी को रिपेयर करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अभी। ड्रीम बॉय मैंने अभी प्रोफेसर से सारी बातें कर ली है, और वो बोल रहा है कि ये जो नुबड़ा जी था इसके ऊपर उसने जो अटैक किया है वो अलग अटैक है, और जो स्मार्टी के ऊपर उसने अटैक किया है वो कुछ अलग अटैक है, वो लगे कोई तो एंशिएंट पावर है जो बेसिकली स्मार्टी को रिस्पॉन होने से भी रोक रही है वो। okay. एक हाँ वो कुछ डायमेंशन वाला नॉनसेंस चीज हुआ है अभी स्मार्टी के साथ, तो हम लोग स्मार्टी को रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसके लिए हम लोगों को कोई एंशिएंट चीजों की जरूरत पड़ेगी, पर अभी फिलहाल के लिए नुबड़ा जी के 2 हार्ट के टुकड़े हो चुके हैं। और ये क्या आवाज आ रही है बे, एक सेकेंड ऐसे भाई ऊपर चल के देखे क्या, आई थिंक सो कुछ तो हो रहा है। हाँ चलो चलो ऊपर चलते हैं। अबे कर क्या क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, ये प्रोफेसर किधर गया अभी, प्रोफेसर कहाँ पे, मुझे ऑलमोस्ट लाइक अर्थक्वेक, अबे ये वही चीज है भाई, बड़ी अजीब, ये कुत्ता आ गया यहाँ पे, अबे अबे इस कंप्यूटर तोड़
दिया प्रोफेसर की तरह। अबे यार, अबे यार यही होना बाकी था भी जीवन में। कहाँ पे ये कुत्ता, कहाँ पे गया? इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको उकसाते हैं जो भाई, इसको उकसाते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसके ना नहीं चिटांग साला। प्रोफेसर तू अपने कंप्यूटर का संभाल, कंप्यूटर का संभाल, हम लोग इसको देखते हैं। भाई साहब ये बंदा प्रोफेसर गया, भागता हुआ अभी भागता हुआ गया मेरे सामने। प्रोफेसर आजा आजा आजा। अरे भाई मेरे यहाँ पे लग गए भाई, कुछ नहीं है मेरे पास खाने के लिए। अभी तोड़ रहे हैं। जो नाना चिटंग मैंने बनाया था। ओ भाई ये आपको उड़ा रहा है। वही बोल रहा हूँ भाई, मैं ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय। हाँ जल्दी बोल, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, मैं कर रहा हूँ अभी। अबे साले तेरे को शर्म नहीं आता? नाइस एजो भाई, नाइस। मेरे को आपका ट्राइडेंट पड़ा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो आप? अरे मैम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मेरे को उड़ा उड़ा के मार रहा है भाई। भाई इससे सोशल डिस्टेंसिंग कर लो एजो भाई, मैं कह रहा हूँ उसके पास। अरे मैंने दो हाथ का डिस्टेंस रखा है भाई, मैं बोल रहा हूँ। मैं तेरी भैंस की आंख बेटे। अबे तू अपने रियल फॉर्म में आना धुएं। ओ माय गॉड, ड्रीम बॉय निकल ले, ड्रीम बॉय भाग 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 भाग, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। मैं उसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, मैं उसके अटैक कर रहा हूँ, डोंट वरी। अबे साले इसके घर पे बाप भी नहीं है भाई, ये मरवाएगा हमें, ये मरवाएगा हमें। यार साले तू एंशिएंट वाला बंदा है क्या? मेरे हार्ट रिपेयर करके निकाल गया तू हरामी। वहां पे गया है? ओ नो 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 नो, ये बंदा अभी तक आ रहा है, ये बंदा अभी तक हमारे पीछे ही आ रहा है। ऐसे भाई अब पीछे तो देखो मेरे साथ क्या टॉर्चर हो रहा है। देखो मैं देख रहा हूं और मेरे को चाहिए नहीं वो। अरे मेरे को क्यों धक्का दे रहे हो? मेरे को धक्का वो दे रहा है, ये देखो भाई मैं तो उड़ रहा हूं रॉकेट की तरह। वाओ नाइस बेटे। ओ माय गॉड भाई साहब, अब ऐसा क्यों इतना बड़ा गड्ढा किया यहाँ पे यार? मुझे क्या पता था, मैंने उसको रोकने के लिए किया भाई, और वो रुक भी गया, आपने नोटिस किया? हाँ वो बंदा नहीं है अभी यहाँ पे। एक मिनट वेदर भी क्लियर हो गया। प्रोफेसर साले आरामकोर किधर है तू? आपके पास खाना है क्या? मेरे पास कुछ खाना बाकी नहीं है भाई। लो ना ये लो ना यार, कैसी छोटी बात करते हो आप? ड्रीम बॉय के साथ रहते हो और खाना मांगते हो? डूड लेट्स गो। भाई ये बंदा क्यों आया था यहाँ पे? ये इतने टाइम से नहीं आ रहा था यार। ये फलाना जी की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये वॉल्स एक्चुअली इनको रोक रहे थे, अब ये वॉल्स नहीं है तो मुंह उठा के सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इसका कंप्यूटर टूट गया डूड, हम लोग स्मार्टी को ढूंढ। जो भाई सब कुछ गलत हो रहा है भाई। डूड आपको समझ में आ रहा है, स्मार्टी लास्ट टाइम जब मरा था वो वहां से गायब हो गया था। कोई भी, मैं लास्ट टाइम मरा था तब मैं भी गायब हो गया था। इसकी बॉडी यहाँ पे तो ये वापस। अबे साले ये, अबे तू हम पे क्यों गुस्सा कर रहा है भाई? इसने हम पे बॉम्ब फेंका है अभी अभी। अबे साले तेरे को शर्म नहीं आता? अबे प्रॉब्लम क्या है तेरा जीवन का? हमने नहीं तोड़ा है। डूड हम लोग यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। पहले तो ब्रेड दे भाई, ब्रेड दो मेरे को, कोई तो मुझे कुछ नहीं खाने। नहीं ये खाओ गोल्डन कैरेट, मेरी संगत में रहते हो अब आप। अरे ये अमीर लोगों को कैसे भाई समझाऊं मैं? और भाई तू मशीन बना रहे है, तुड़वा रहे अपनी खुद की। अबे साले तूने मुझे ब्रेड दिया ही नहीं, मेरे को कुछ तो दो। अरे अभी दिया कोई कैरेट। अरे खुद ही उठा लिया उसको। कैसे कैसे दोस्त है भाई, सांप पाल के रखे मैंने। और तू क्या कर रहा है भाई हरामखोर? हम यहाँ पे इनोसेंट की तरह भाई। मैं भाई मैंने ट्राई, भाई इसका क्या लॉजिक है भाई कि मैंने ट्राइडेंट यूज किया, मतलब मैंने ये डिस्ट्रॉय किया भाई? वो दरिंदा ऑल नॉनसेंस चीज आ गया था यार, भूत होगा लाला भूंगा लाला। भाई तुम लोगों को हम बचपन से बचा रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम लोग ऐसे कर रहे हो मेरे साथ, तू समझ नहीं रहा भाई? अमीरम शर्म हया कुछ है? मतलब मुंह पे तूने अभी अभी बॉम्ब फाड़े हैं हमारे, हम मर जाते तो? ए बैट का ग्रिप निकाल के भाई ये भेड़िया, ये भेड़िया, अरे अरे भेड़िया तू हमको मारेगा, तू हमको मारेगा प्रोफेसर। अभी चुपचाप पहले हम लोग को बता कि स्मार्टी को रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए पहले कंप्यूटर रिपेयर कर, जल्दी काम पे लग भाई। काम फिर मैं अपनी सोर्ड का ग्रिप निकाल के ना
आ जाओ हेजियो भाई, हम जरा दूसरा काम करते हैं अभी। यार नुबड़ा जी को, अबे ये कहां से आ गया ये भाई साहब भी आ गया हेजियो भाई। व्हाट, अबे इसके ऊपर करेंगे अभी जीवन में भाई, ये मंडरा क्यों रहा है इसके ऊपर। एक मैं उड़ा दूं। नहीं 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 जो भाई, यहाँ पे दो दो डेड बॉडीज पड़ी हैं ब्रो, वो दोनों भी उड़ जाएंगे। नहीं 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 मैं उड़ा नो वार्डन नो मैक मैं करो मैक ओ अरे क्यों मैं आ मैंने जो कोशिश किया वो कोशिश किया भाई, कि बंदा कर क्या रहा है ये, आपने क्या किया स्मार्टी भाई के साथ, उसको फिर से लेटा देंगे यार अब। सॉरी मैं गलती से अभी डिस्ट्रॉय कर दिया था सब कुछ। आपको क्या हार्ट अटैक देने का आज मजा आ रहा है? नहीं नहीं मैं ट्राइडेंट हाथ में लूंगा ही नहीं, पर ये चीज यहाँ पे क्या कर रही थी। बेड लगाओ अभी फिलहाल के लिए, इसको फिर से लेटा देते हैं। आई डोंट नो यार, रुको मैं बेड लगाता हूँ। जल्दी करो मैं प्रोफेसर को पूछ के आया, क्या हो क्या रहा है भाई ये। हाय दिस इज बैड, मैं रुको मैं आज। प्रोफेसर कहाँ पे? प्रोफेसर साले इधर आ। अभी फिलहाल के लिए वो भूतिया चीज पता नहीं क्यों पर स्मार्टी के ऊपर मंडरा रही थी क्या। ओके एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, वो कुछ भी सच्ची ऐसे हो सकता है। ओके ड्रीम बॉय जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे लोचा हो गया है। हुआ क्या है? जल्दी से आ जाओ। आ गया। यहाँ पे आ जाओ ड्रीम बॉय। ये प्रोफेसर बोल रहा है कि वो जो भूतिया चीज है वो बेसिकली एक बॉडी ढूंढ रही है और उसको स्मार्टी से वो पावर्स मिल रही है और स्मार्टी की बॉडी को कंज्यूम करना चाहता है। बेसिकली वो स्मार्टी भाई को पोजेस करना चाहता है। हाँ लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखा है बहुत ज्यादा ना आपने। हाँ तो वो बेसिकली पोजेस करना चाहता है। हाँ एक्चुअली ऐसे ही है भाई साहब। ब्रो ये कितना डेंजर है। ए प्रोफेसर कुछ बता, उसको कैसे भगा सकते हैं? ये कब से एंशिएंट बोल रहा है भाई, एंशिएंट। अरे आपके लाइब्रेरियन एंशिएंट है ना, उसको पता होगा, वो कर सकता मदद। हाँ वैसे ये भूत बाधा वगैरह है। अरे भूत बाधा वगैरह उसको आती होगी भाई, दारू पी के भूत दिखता है मेरे को पता है ना, कुछ लोगों को दिखता है, सच्ची है। ये बात तो अब सही, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि दारू पी के भूत दिखता है? अरे यार फिर वो दारू पी के रोड के साइड पे लोग ऐसे आबड़ू बाबड़ू क्यों करते रहते हैं, उनको दिखता है भूत इसलिए करते हैं ना। आई डोंट थिंक कि लाइब्रेरियन उतना भी कोई बहुत पुराना एंशिएंट बंदा है। अरे फिर एंशिएंट बंदा नहीं है लाइब्रेरियन, तुझे कौन सा एंशिएंट बंदा चाहिए भाई, तू खुद तो एंशिएंट है यार, 100 साल से तू जी रहा है यार, तू नहीं है तो कौन है? ये ना इसने भी नशा कर लिया है भाई, मैं बोल रहा हूँ। वेट नहीं आ रहा। वेट अरे किंग ओडिन है एंशिएंट। ए विज़र्ड है, विज़र्ड। एक काम करो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने देखा ना, आप मेरे ये दोनों ट्राइडेंट्स ले लो, दोनों ट्राइडेंट्स, और कुछ किसी भी कीमत पे अगर वो भूतिया चीज वापस आती है ना, आपका काम यही होगा कि डिस्ट्रॉय न करते हुए सिर्फ लाइटनिंग करो और ज्यादा से ज्यादा उसको भगाने की कोशिश करो, बिल्कुल भी कंट्रोल वाला बटन मत दबाना। ओके तू वुल देता है मेरे को ट्राइडेंट के बदले, मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं। मैं अभी टैक्सी निकलता हूं, मैं विजर्ड के पास जाता हूं और विजर्ड को लेके आता हूं यहां पे किसी भी कीमत पे, उसको गारंटी पता होगा ना कुछ ना कुछ। प्रोफेसर साले तू अभी फिलहाल के लिए देख, तुझे काम पता है, मे बी मैं विजर्ड से ही पूछ सकता हूँ कि ये दो हार्ट में जान कैसे डालनी है, तो वो भी राज पता चलेगा। ड्रीम बॉय अभी आपका काम यही है, आपको किसी भी कीमत पे यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है स्मार्टी की और नुबड़ा जी की बॉडी को। और मैं फटाक से गया, अब भी गया मैं विजर्ड को लेके आया, मुझे पता है विजर्ड का। थोड़ा जल्दी करना बिकॉज मेरे को मेरा भी काम है, आपको पता है ना उसका जो। अरे भाई हाँ हाँ किडनैप हो गई इसकी अनुराधा, इसकी अनुराधा को कोई भी किडनैप कर लेता है यार। भाई वो कोई अनुराधा नहीं है मेरी। अरे फिर अनुराधा की तरह ही आप पिछड़ा बोल नहीं रहे थे कि उसका हाथ निकल जाएगा, मासूम है वो, मासूम है। क्या मासूम भाई, वो मुझे मारना चाहती है। ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ वो बंदी मेरे को मारना चाहती है, उसके बाप को मारा था मैंने, आपको भी पता है। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे आप यार ये बंदा गांजा फूक के बटाएगा। अरे हाँ मेरे को पता है आपने उसको मारा है, पर उसने आपको कब मारा? अरे उसने पर वो उस वहां की तो मार रही थी ना दूसरे टाइमलाइन वाली, तो ये भी कभी ना कभी मारेगी। हे भगवान दूसरी टाइमलाइन की कंफ्यूजन क्यों ला रहे हो बीच में हमारे। अरे भाड़ में जाए, अभी फिलहाल के लिए मैं विजर्ड को लेके आ रहा हूँ, आपके किमोची को भाड़ में जाए भाई वो बंदी, मेरे को क्या, मेरे को कुछ नहीं करना भाई उसके साथ। दुखी हो गए क्या?
अरे जाओ ना यार, अरे को लेके आओ यार। भी आप अचानक से शांत हो गए, मुझे लगा दुख हो गया। देखो आपकी गर्लफ्रेंड हमारी गर्लफ्रेंड, हम आपको नहीं उसको... है नहीं है, प्लीज उसको कोई ऐसा टैग मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे बोलने वाले लोग ही अंदर होता है। आपको पर आपको क्यों पसंद नहीं है वो यार? नहीं है फिर मतलब मैं पटा लू उसको, मैं पटा लू। हाँ देख लो, आप देख लो, मुझे नहीं यार ये कितना गंदा है यार। इसको इसको पता है कि वो वैसे भी पागल है इसके प्यार में, तो ये घंटा एजियो के प्यार में पड़ेगी, इसलिए ये जानबूझ के मेरे को बोलता है। हरामी है ये किस्म का यार। आप भी एजियो भाई, अब यार देखो मेरी पहले से राबड़ी देवी थी, राबड़ी देवी रहेगी, राबड़ी देवी। उसको तो भाई सुरेश लेके घुमाता है। ए तुम चुप रहे सुरेश वीरेश वाले, ए रिलेशन है भाई। तुम्हारे को देखो, तुम्हारे को दरिंदा एजी और दरिंदा स्मार्टी लेके नहीं गया की मोची को भाई? तो ए भगवान आप क्यों जोड़ रहे हो उसको मेरे से? ऐसा कोई लफड़ा भी नहीं है भाई कुछ। फिर ठीक है, उसको नहीं बचाएंगे हम लोग अभी फिलहाल के लिए। आप ध्यान दो, आपके पास वो मॉन्स्टर आ सकता है कभी भी। वो मॉन्स्टर की भैंस की आंख, मैं आने तो दो उसके ट्राइडेंट, अभी छाती में घोपूंगा, दिल निकाल लूंगा उसका मैं, टेंशन मत लो। अबे प्रोफेसर नीचे बैठ ब्रो। बेजो भाई ये फिर से आ गया, फिर से आ गया। मैं अभी क्या करूं, मुझे मैं वापस आऊं क्या? नहीं अब भागो, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आजा बेटा आजा, तेरा धुआं। भाई गलती से येलो वाला ट्राइडेंट मत यूज कर देना, येलो वाला ट्राइडेंट टीएनटी ब्लास्ट करता है। ले बेटे अब कहां भाग रहा है? ओ ओ ओ डर के मेरे में घुस गया। प्रोफेसर संभाल प्रोफे भाई, okay, किसी okay, भी कीमत okay, पे okay, उसको स्मार्टी के अंदर घुसने मत देना, नहीं तो लग नहीं, जाएंगे नहीं, नहीं। मैं उस लोकेशन से उसको बहुत दूर लेके आ चुका हूँ, मतलब हिमलैंड से थोड़ा सा बाहर की साइड। आजा आजा इधर 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 इधर। ये बंदा संभाल लेना प्लीज, मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे धनाधन देना पड़ेगा जल्दी। प्रोफेसर अबे तू फिर से स्नो फेंक रहा है भाई, अबे उस पे फेंकना, मेरे पे गलती, तेरे पे यही गलती हो रही है, मेरे पे मारेगा तू। ये कौन है बे? ओ तेरी, ये लोग यहाँ पे डूड। मैं ओ शिट, मेरे पास ट्राइडेंट वगैरह कुछ भी नहीं है यार। ओ ड्रीम बॉय बराबर बोल रहा था इकीमोची को, मुझे लगा कि इसलिए सीरियसली स्मार्टी को शक हो गया, वो पीछे देख रहा था। आई एम नॉट श्योर मुझे इनके पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर लेट्स एटलीस्ट देखते तो है कहाँ पे। मुझे एक्चुअली अभी मेन मिशन मेरा ये नहीं है, मेन मिशन तो मुझे विजिट के पास जाना था। यार की मोची मुझे ना देख ले, एक काम करते देखो मैं अभी उनके साथ लड़ने के लिए गया ना तो मेरे वाट लग जाएगी, मेरे दोनों ट्राइडेंट मेरे पास नहीं है, मैं ड्रीम बॉय के पास है। तुम मेरा आइडिया सुनो, मैं कैसे भी करके विजर्ड के पास पहले पहुंचता हूँ। ओह शिट, जरा स्मार्ट एजियो ने मुझे देखा, ये जहाँ कहाँ पे रहे लोग, पहले मैं इनका लोकेशन देख लेता हूँ और फिर ये कुछ तो बड़बड़ कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये? वेट अ सेकंड, आराम से ट्रिप, आराम से यार ये दरिंदा है। ओ भाई साहब, भाई जीवन में निवड़ूंगा, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है यार, बिना मारे दिखे नहीं जा सकता ये क्या, इसको भाई ये दरिंदे लोग बहुत ज्यादा दरिंदे है यार। आई होप सो, देखो मेरा प्लान सिंपल है, अभी मुझे विजर्ड के पास जाना ही पड़ेगा, तो मैं पहले विजर्ड के पास जाने वाला हूँ, इन लोगों का पता लगाते ये लोग जा कहाँ पे रहे, फिर ड्रीम बॉय को लेके आऊंगा मैं। यार मुझे भी ऐसे कुछ पर्सनल दुश्मनी है नहीं किमोची के साथ, इमेजिन करो मैं अगर किमोची को बचाने के लिए ड्रीम बॉय की मदद करता हूँ तो किमोची भी मेरी मदद करेगी ना नुबड़ा जी को रिपेयर करने के लिए, और स्मार्टी को रिपेयर करने का तो अभी हम लोगों ने किया है, तो होपफुली विजर्ड स्मार्टी को रिपेयर कर लेगा, तो हमें करने तो दोनों को रिपेयर है यार, हम लोग किसी भी कीमत पे, ना कि स्मार्टी पर, हम लोगों को इसके अपने नुबड़े जी को भी तो रिपेयर करना है भैया। ओ त्री भाई साहब, आराम से कोई आवाज नहीं करेगा, हम धीरे धीरे जाएंगा इनका नहीं। ओ इधर जा रहे हैं ये लोग, हाँ उशिट मैं देखा तो नहीं मुझे। इससे पूरा मुड़ गया था यार पीछे। ओके मुझे आवाज नहीं करना, सिंपली आराम से चलो, किसी ने कुछ नहीं देखा। वेट अ सेकंड, ओ इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। ओ आराम
आराम से ज़िड़िप, अपना नेम टैग मत दिखाना बिल्कुल भी, आराम से, ये मत दिन लोग है अपना नेम टैग दिखा रहे, आराम से आराम से आराम से, इनका कुछ तो अलग ही। ओह मैं किमोची को बचाने के लिए जा सकता, एक काम करते हैं, सॉरी किमोची मैं तुझे बचाने के लिए आऊंगा पर मुझे फटाक से यार ऑलमोस्ट विजिट यहां से ऑलमोस्ट 200 मीटर की दूरी है यार, 200-300 ब्लॉक 300-400 ब्लॉक है, ज्यादा से ज्यादा 300-400 ब्लॉक दूर है यार विजिट रहने का लोकेशन। मैं विजिट को ले लेता हूँ और फिर हम लोग मेन इंग्लैंड में जाएंगे और वहां से ड्रीम बॉय को लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। ज्यादा अपने शक्ति के ऊपर काम नहीं करना, अभी युक्ति से काम करना है, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है यार, मैं मुझे तब मार देंगे यार पागल की तरह। एक प्लान बनाते हैं, होपफुली कि मोची में बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी, कम ऑन मैन, वो झांसी की रानी बनेगी हमारे हिमलैंड्स की, लेट्स गो मैन, वो लड़के रहेगी, वो जिंदा रहेगी, हम लोग उसको बचाने के लिए जाएंगे, मैं और ड्रीम बॉय जल्द से जल्द अभी विजर्ड के पास चलते हैं, इसी पहाड़ के, हाँ इसी पहाड़ के पीछे है वो, लेट्स गो। ये साले के घर इधर से उधर घूमते रहते हैं यार, यार 5-5 मिनट में अपने घर चेंज करता था ये लौंडा, मैं क्यों इतना ज्यादा मेहनती कर रहा हूँ। विज़र्ड कैसे भूतों की तरह दिख रहा था यार आरामी। विज़र्ड देख प्रॉब्लम हो गया है, स्मार्टी मर चुका है, नुबड़ा जी मर चुके हैं और वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अभी कुछ मत कर, अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को कुछ भी करके पहले तो स्मार्टी को देखने के लिए चल, और पता नहीं क्यों पर दूसरे जो भूतिया लोग थे वो स्मार्टी की बॉडी को हथियाना चाहते हैं, उसको पजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कल मैं तुझे रास्ते में सारी चीजें बताता हूँ, जल्दी चल जल्दी चल, ये ले चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। किधर क्या ये डूब मत जाना विज़र्ड, जल्दी चल, मैं विज़र्ड को सारी चीज़ें बता दूंगा, तुम लोगों को यहाँ पे मैं बोध नहीं करूँगा, मैं जाते जाते सारी चीज़ें बता दूंगा और इसको बता ही दूंगा कि यहाँ पे टेंपल के अंदर इन्होंने किमोची को भी किडनैप करके रखा है। तो अब भी मिलते हैं डायरेक्टली मेन इंग्लैंड्स में, मर के देखना मजा आया उसको, उसने बोला मेरे को सच्ची। विज़र्ड जो आइडिया तूने अभी बताया है वो आइडिया से अगर काम कर गया ना भाई साहब, मैं और ड्रीम बॉय निकल सकते हैं अपना काम करने के लिए, और यहाँ पे वहाँ पे कौन देख रहा है भाई, वहाँ पे कौन देख रहा है, वो आएगा ना भूत और पजेस कर लेगा वो स्मार्टी की बॉडी को। टेंशन मत लो एजियो भाई, भाई उस बंदे को क्या पीला है मैंने, वो पिछले 6 दिन तक ना आए, अब देखो क्या पिछले 6 दिन तक ना आए, वो पिछले 6 दिन तक, मतलब अगले 6 दिन तक ना आए, अरे भाई 6 दिन तक, 6 दिन के बाद जब आएगा तब क्या यहाँ पे वॉचमैन गिरी करोगे, उसके लिए एक ढासू आइडिया निकला है, आपको क्या जाना नहीं है जीवन में कहीं पे। अरे भाई मैं आप आइडिया नहीं ब्रो, हमको बहुत जल्दी, मेरे को बहुत जल्दी जाना है किमोची को बचाने के लिए ब्रो, समझ रहे हो आप। अरे फिर किमोची को बचाने के लिए ही मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा, बिकॉज मुझे पता है किमोची है कहाँ पे, वो क्या, हाँ तो क्या क्या नहीं किमोची करो किमोची किरणी किमोची करो, आपको कैसे पता वो कहाँ है। अरे मैंने अभी विज़र्ड के यहाँ पे मैं जा रहा था, उसके घर के बाजू वाला जो टेम्पल है उसके अंदर उसको कैप्चर करके रखा है, मैं आपको सारा बातें बताता हूँ। रुके क्यों हो, चलो ना, अरे भाई बाय बाय, अबे मंद इंसान यहाँ पे कौन रहेगा, फिर स्मार्टी को वो पजेस कर लेगा, फिर वाट लग जाएगी भाई। यार जो भाई बट वहां पे दो मिनट के लिए आ जाओ, आपको पहले यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज इसके पास ओपी आइडिया है विज़र्ड के पास। भाई वो ठीक तो थी ना, आपने देखा उसको, अरे वो बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, वो मेरे को ढोकला करने के लिए बुला रही थी, आ जाओ यहाँ पे जल्दी। यार आपका मजाक नहीं जा रहा है भाई, अरे मजाक क्योंकि मेरे को बहुत सारा ओपी आइडिया बताया विज़र्ड ने, जल्दी आप वीडियो का लेंथ मत बढ़ाओ यार, बच्चे यहाँ पे पागल हो गएंगे यार, फिर बोलेंगे बड़बड़ी करते हो भाई, बड़बड़ी करते हो। अभी इतना मस्त आइडिया निकला है, विज़र्ड का दिमाग चला इतना ऑसमली। देखो विज़र्ड अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कवच बनाने वाला है अपने वर्ल्ड की बॉर्डर, सुना है वर्ल्ड की बॉर्डर, वर्ल्ड की बॉर्डर नहीं वर्ल्ड बॉर्डर कहते हैं उसको, हाँ वो ही वर्ल्ड की जो बॉर्डर होती है माइनक्राफ्ट की, बंदा उसको कंट्रोल कर सकता है अभी, वो पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए। अच्छा अच्छा सेंटर पॉइंट यही है, मैंने सेंटर में ही बनाया था। प्रोफेसर क्या अंदर देख रहा है क्या? हाँ पर प्रोफेसर अंदर बिठा रखा है मैंने अभी तो फिलहाल के लिए, बट वो नल्ला भाई, वो कुछ नहीं होता। ये सेंटर पॉइंट है, विज़र्ड को इसकी जरूरत थी, जल्दी आ जाओ दोनों। हाँ मैं तो आ गया बस, पर्ल मार के किधर से जाएंगे क्या, कौन लगता है कौन आ पाएगा, विज़र्ड आ गया पर ये नल्ला ना करा गया भाई, भाई आप छोड़ दो भाई।
भाई मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक नहीं कर रहे, नुबड़ा एक नंबर का। गाइस अभी मैं देखो, अभी तुम लोगों को, हाँ चल, अभी तुम लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि मैं पागल की तरह इतना खुश क्यों, बिकॉज अभी विजर्ड ने जो चीज मुझे बताया वो बहुत ज्यादा ओपी है। विजर्ड अभी यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाएगा, जो शील्ड कोई भी बंदा लांद नहीं सकता। इस लाइक लक्ष्मण रेशा बनाने वाला ये बंदा, लक्ष्मण रेखा रेशा, अरे रेशा रेखा एक ही होता है यार, अमिताभ को पूछ लो। अभी चलो अभी यार वैसे हमारा विजन अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है। अरे अमित हाय, अरे यार अभी खुशी का मौका है, इसका मतलब नहीं हम लोग मजाक करें। विजर्ड सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी कर भाई, जल्दी करो, जो होगा देखा जाएगा। आडम बाडम, एक मिनट मुझे खाने दो, एक मिनट मेरे को खाने दो। ओके, 1 2 3 विजर्ड कर दे अपनी शक्ति वापस। कर रहे है? नहीं भाई, अबे तेरे से होगा कि नहीं? अरे भाई ये क्या जयचंद्र, भूत इसको भूत प्रेत आते हैं भाई, मैं बोल रहा था पहले भी आपको। अरे भाई क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, ओके एक मिनट पहले चेक करते हैं कि हम लोग इससे से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा भाई इसका। 1 2 3 ओ लो, नहीं जा सकते। मैसेज, आप जा सकते हो? और यहां से कोई अंदर आ भी नहीं सकता। That's how we do. एक काम करते हैं ड्रीम बॉय, देखो एक सेकेंड, एक क्या बोले क्या बोलो, अगर विजिट तेरे को ये सब आता है तो मैं मेरे किंगडम के पास भी बना इसे। और वो नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है यार। ड्रीम बॉय देखो, कि मोची को बचाने के लिए मेरे को रास्ता पता है, मैं वहां पे लेके जाऊंगा। विजर्ड तू किसी भी कीमत पे यहाँ पे रहने का कोशिश कर, और यहाँ पे अगर बाय चांस कुछ भी होता है अब भी तेरी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करने का इसको। अभी फिलहाल के लिए एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ड्रीम बॉय एक काम करते हैं, अभी रात होने के लिए ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट यहाँ वहां थोड़ा सा खाना खा लो या फिर कुछ कर लो, रियल लाइफ में 10 मिनट इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं रात को ये दरिंदा आता है क्या भूतवित, और देखते कि वो अंदर आ पाता है या नहीं आ पाता है, ठीक है। और जैसे ही अगर जैसे ही हम लोगों को पता चले कि वो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्टली किमोची को ढूंढने के लिए, बिकॉज किमोची ही एक है जो नुबड़ा जी को रिपेयर कर सकती है। और एक बार नुबड़ा जी आ जाए उसके बाद हम लोग स्मार्टी को भी रिपेयर कर लेंगे, सबको रिपेयर करना हम लोग को, ठीक है। और ड्रीम बॉय मैं पहले ही बता दूं, जोश में आके होश मत गवाना, अभी 10 मिनट इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लेट्स गो। भाई यार इतनी देर तो आवाज आया, आवाज मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये, वेट मैं इधर दूसरी साइड देख के आ रहा हूँ जहाँ पे विलेजर से। एक मिनट, यहाँ से आवाज आ रहा है, यहाँ से ओ ये रहा भारे बंदा, भारे बंदा, हाँ ये क्या ऊपर है बंदा, मैंने अभी देखा था इसको। आप नशे में हो क्या, क्योंकि मेरे को कोई भी नहीं दिखा। अरे मेरे को दिखा भाई, मेरे को सिर्फ TNT की आवाज मुझे दिख रहा है। वो रहा। देखो तो ये यहाँ पर है क्या? अभी मार के दिखाना, अभी दिखाना भाई। ओ बेचारा किसको पोजेस करेगा? ओ धमाके करेगा। यो ड्रीम बॉय हम जीत चुके हैं। We are done man। ये नहीं कर सकता कुछ भी। पर आपके पास पर्ल है? Exactly है मेरे पास। दे दो मेरे को 2-3 पर्ल दे दो। ये लो एक दो। एक दो 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 दो। अरे लो यार, अभी पर्ल लो और ये बंदे के मुंह के अंदर से निकलेंगे। देखो हम बाहर जा सकते हैं और हम अंदर भी आ सकते हैं पर्ल के साथ। सो 1 2 3 लेट्स गो बाहर। बूम बूम, ये रहा बूम बूम। ए अभी क्या करेगा? अरे पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया। अंदर चलो। ये अब सबका मालिक एक है और तेरा मालिक अभी हम है बेटा। कितना इरिटेट हो रहा है ड्रीम बॉय। पर अभी खुशियां मनाने का समय हो गया है भाई, थोड़ी सी खुशियां मना लो। कल सुबह हम लोगों को यहाँ से निकलना है और किसी भी कीमत पे किमोची को बचाने के लिए जाना है। Exactly man, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। That's the target. Let's do this. एक बार किमोची बच गई तो नुबड़ा जी बच जाएंगे, नुबड़ा जी बच गए फिर स्मार्टी बच जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेट। ये देखो प्रोफेसर की मशीन भी बच रही है, प्रॉपर है। ये विजर्ड ने काम तो बढ़िया किया है, इस बार आप विजर्ड को गालियां नहीं दे सकते भाई। भाई मैं विजर्ड को कभी गालियां नहीं देता था, बस गालियां तब चल रहे चल रहे नहीं देखा। विजर्ड अभी
तू और प्रोफेसर यहाँ पे रहेगा। प्रोफेसर और तुम दोनों का काम यह होगा किसी भी कीमत पे स्मार्टी को जिंदा रखना यहाँ पे, उसकी सांसें रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और चलो मैं हार्ट ऑलरेडी ले चुका हूँ, हम लोग को हार्ट रिपेयर भी करना है और यस किमोची को रिपेयर भी करना है। ड्रीम बॉय लेट्स गो, लेट्स गो माय फ्रेंड, आज हम दिखाएंगे कि हम लोग कौन है। यस 1 2 3 लेट्स गो, लेट्स गो। ओके यार कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये, हद पार कूल लग रहा है, लुक एट दिस। ये विजर्ड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है बता। वैसे विजर्ड है बंदा कमाल का यार, एंशिएंट बंदा है। ये देखो तो यार पीछे से कितना कूल लग रहा है ये भाई साहब, बंदे ने किया तो है भाई, बंदे ने किया तो है। Yes, this is good. और इसी के लिए hashtag wizard in a comment section डाल दीजिए, super super awesome। यहाँ पे आ जाओ, dream boy यहाँ पे आ जाओ। हम लोग Instagram पे story डालवाएंगे लोगों से। Yes, 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 please boys. Guys, अगर तुम लोग honest zeros हो, अगर तुम लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है तो इस ultimate super extreme powerful जो trap है, और या फिर तुम लोग बोल सकते हो इसको क्या बोले यार, इसको हम लोग लक्ष्मण रेशा या फिर प्रोफेसर रेशा, ये प्रोफेसर की जो रेशा है जिसको कोई भी लान नहीं सकता सिवाय हम तीनों के, मतलब मैं स्मार्टी और ड्रीम बॉय के, वो रेशा देख के तुम लोगों को क्या लग रहा है? Let me know. रेशा, और... इस रेखा ब्रो, रेखा रे रेखा, लेट मी नो कि तुम लोगों को जस्ट अपना स्क्रीनशॉट निकालो अभी फिलहाल के लिए और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना, हम लोग सारी स्टोरियां लाइक करेंगे, मैं और ड्रीम बॉय, हमारा यही मकसद कि तुम लोग सबकी स्टोरी मत भूलना, वरना हमें टैग करना, हमें टैग करना इस स्टोरी को डालते हुए, बिकॉज यहाँ चीज तो बड़ी कमाल की बनाई है भाई, बड़ी कमाल की चीज है। सो स्क्रीनशॉट हो जाए, ले लिया स्क्रीनशॉट बराबर, लेट्स गो, थैंक यू सो मच। आ चेक आउट ज़ेल्डा का वीडियो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑसम न्यू गेम है, तो चेक दैट आउट, इट इज सुपर सुपर कूल, बाय बाय, ऑसम ऑसम डे, हैव ऑसम लाइफ, मिशन किमोची बिगिंस।